मेरे चैनल को फॉलो कीजिए, मेरे वीडियोस को देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल सोल आर्ट को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशंस पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कीजिए। हेलो फ्रेंड्स, सोल आर्ट में मैं रश्मि आपका स्वागत करती हूँ। जल्द ही हमारे घरों घरों में गणेशोत्सव मनाया जाएगा। हम सब गणपति जी का बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं और हर कोई अपने अपने तरीके से उनके आगमन की तैयारी में जुटा हुआ है। गणपति जी को 14 विद्या और 64 कलाओं का अधिपति माना जाता है और गणपति जी बुद्धि के भी देवता है, तो हम सब बहुत ही चाव से उनकी पूजा करते हैं और हर साल बहुत ही बेसब्री से उनके आने का इंतज़ार भी करते हैं। तो जल्द ही गणपति जी हमारे घर में पधारने वाले हैं, तो उसी के लिए मैंने भी अपने तरीके से एक इको फ्रेंडली गणपति मखर बनाया है और मेरे घर में जिस हिसाब से जगह है उसी हिसाब से छोटे टीपॉय पे भी वो रह सके, इतने साइज का मैंने ये डेकोरेशन तैयार किया है। और इसमें फ़िलहाल तो मैंने इलेक्ट्रिकल पाइप्स का यूज़ किया है, पर अगर लकड़े का इस्तेमाल करें तो ये पूरी तरह से हमारा इको फ्रेंडली पंडाल बन जाएगा और ये पूरा फोल्डेबल भी है, क्योंकि जब आपको उसकी ज़रूरत है तब आप उसे निकाल के तैयार करके लगा सकते हैं और जब ज़रूरत नहीं है तो उसे फोल्ड करके अच्छे से कपड़े में लपेट के संभाल के रख सकते हैं। और सिर्फ गणपति के लिए ही नहीं, नवरात्रि के डेकोरेशन के लिए भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम ये इको फ्रेंडली फोल्डेबल गणपति डेकोरेशन कैसे बनाना है वो देखेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं, मैंने जो पीवीसी पाइप्स हमारे घर में रहते हैं और जो इलेक्ट्रिकल वायरिंग के काम में आते हैं, उन पाइप्स का इस्तेमाल करके मैंने ये फ्रेम तैयार किया है और उसे एल्बोज भी लगाए हैं, जिसे टी एल्बो भी कहा जाता है। ये सब मटेरियल आपको हार्डवेयर शॉप में इजीली मिल जाएगा। इस तरह से मैंने एक फ्रेम तैयार कर लिया है और पीछे की तरफ बैक के लिए मैंने एक ब्लाउज पीस का इस्तेमाल किया है, जो हमारे ब्रोकेड के गोल्डन जरी वाले ब्लाउज पीस होते हैं उसका मैंने इस्तेमाल किया है और उसे तीन ओर से मैंने लेस लगाई है। और जिस तरह से हम पर्दे में पाइप डालते हैं उसी तरह से नीचे की ओर से मैंने उसे फोल्ड करके सिलाई कर दी है। और ऊपर की ओर अगर आप देखेंगे, यहाँ पे मैंने वेलक्रो का इस्तेमाल किया है उसे जोड़ने के लिए और ये उसके ऊपर एक फ्लैप जैसा। अब ये जो हमारा ऊपर का हिस्सा है उसे कवर करने के लिए हमने इस तरह से एक पीस तैयार किया है, इस तरह से, और उसे थोड़ा स्टिफ बनाने के लिए मैंने उसे क्विल्ट किया है और ये भी उसी कपड़े में बना हुआ है। और उसके चारों ओर मैंने लेस लगा दी है इस तरीके से, ये देखिए इस तरीके से। और ये उसका फ्रंट का हिस्सा है, तो बीच में मैंने उसे एक सैटिन रिबन का फ्लावर बना दिया है उसके लिए। और ये पूरा हमारा नेट का फैब्रिक मैंने इस्तेमाल किया है और उसे साइड से मैंने इस तरह के पर्ल का लेस जोड़ा है। अब
इस पीस को इसके ऊपर जोड़ने के लिए देखिए अंदर से मैंने इस तरह से वेलक्रो के लूप्स इस्तेमाल किए हैं जोड़ने के लिए चारों ओर से। ये देखिए यहां से ऊपर से इस तरह से वेलक्रो मैंने उसे लगाए हैं, जिसकी वजह से ये इसकी इसके ऊपर पकड़ के वो रख सके कपड़ा। तो अब मैं उसे उसके ऊपर बिछा देती हूँ। इस तरह से मैंने ये डाल दिया ऊपर। अब ये जो अंदर से हमने वेलक्रो जोड़ा है उसे हम इसे इस तरह से टाइटली जोड़ देंगे। इस तरह से अंदर से मैंने वेलक्रो से उसे जोड़ दिया, उसी तरह से साइड्स में भी। तो इस तरह से ये टाइटली उसको बैठ गया। और इसमें जो मैंने मोती की लेस लगाई है उसकी वजह से इसे अच्छा फॉल भी आ रहा है। इस तरह से मैंने दो फ्लावर्स और बनाए हैं और उसे मैंने सैटिन रिबिन अंदर की तरफ से जोड़ दी है, देखिए इस तरीके से, ताकि ये देखिए ये अगर मुझे इस तरह से बांधना है तो इसे मैं यहां पे बांध सकती हूं और मोती की लेस की वजह से उसका फॉल भी अच्छा दिखेगा। और इस तरह का आईलेट्स हमने लिया है, इसे हम देखिए यहां पे मैंने होल कर दिया है ऊपर की तरफ से, उसमें हम ये आईलेट उसे जोड़ देंगे। देखिए ये इस तरीके से इसे होल में सिर्फ आपको इंसर्ट करना है और नीचे से उसे ये रिंग लगा देनी है। इस तरह से ये आईलेट हमने लगा दिया है और यहाँ पे देखिए एक होल तैयार हो गया। तो आप इसमें से अगर बल्ब का वायर छोड़ना चाहते हैं तो उसके लिए भी वो तैयार है। तो इस तरह से आपका इको फ्रेंडली गणपति डेकोरेशन अब तैयार है। आप जब चाहे इसे लगा सकते हैं और अगर आपको जरूरत नहीं है तो आप इसे फोल्ड भी करके रख सकते हैं। तो अब हम हमारी फ्रेम है उसे हम डिटैच करेंगे और फोल्ड करके रखेंगे, तो वो भी मैं आपको दिखाती हूँ कि इसे हम फोल्ड कैसे करेंगे।
इस पीवीसी पाइप की जगह पे आप अगर लकड़ा भी इस्तेमाल करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं। ये आपको आसानी से मिल जाता है, इसीलिए मैंने यूज किया है और ये मेरे घर में अवेलेबल था। इस तरह से हमारे ये जो भी फ्रेम था वो भी उसे भी मैंने पूरा निकाल दिया है और ये आप किसी भी कपड़े में अच्छे से बांधकर इसे रख सकते हैं और इसका रीयूज कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारा फोल्डेबल इको फ्रेंडली गणपति डेकोरेशन अब पूरा हो गया है। आप इसे बनाइए और आज का ये वीडियो आपको कैसे लगा मुझे कमेंट कीजिए और मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल सोल आर्ट को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।